हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेन नीट पोस्टपोन के बारे में। यार, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि सर इसको पोस्टपोन जरूर से होना चाहिए। एक बच्चा का मेरे पास कमेंट आया, मैं आपको उस कमेंट के बारे में बता दूं। वो उसने कहा कि सर मेरा जो दोस्त है उसको कोविड के सिम्टम्स है और उसके उसके परिवार वालों ने आइसोलेशन में रख दिया। यार ये मतलब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आपको बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने जिनका एग्ज़ाम तो जुलाई में होगा जेईई मेंस का, लेकिन उनके बुक्स और कॉपीज जहाँ पे वो पढ़ते थे वहाँ छूट गया है और वो वहाँ से घर आ चुके हैं, तो वो कुछ अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं। और यार कुछ बच्चे जो कह रहे हैं ना कि ये टाइम वेस्ट है, मैं आपको बता दूँ जिनके पर ये बीत रही है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनको सिम्टम्स है या फिर जिनको सिम्टम्स नहीं है उनके अगल बगल में भी कोविड के केसेस हैं, वो यार घर से बाहर एग्ज़ाम देने के लिए कैसे जाएंगे। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि पोस्टपोन होगा कि नहीं। डेफिनेटली पोस्टपोन होना चाहिए, मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। और कुछ हमारे फेलो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने मुहिम भी चला रहे हैं ट्विटर पे हैशटैग करके, तो आपको वहाँ पे जाके उनको सपोर्ट करना है। और आपको डायरेक्टली एचआरडी मिनिस्ट्री को ट्वीट करके भी ये जानकारी देनी है फेसबुक से, और बताना है आपको आपका प्रॉब्लम क्या है। देखो आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको उनको कहना है कि कोविड के केसेस के बारे में आप उनको भी पता है आपको भी पता है, तो आपको उनको जाके बताना है आपका क्या प्रॉब्लम है, बताओ उनको, वो आपकी बात जरूर से सुनेंगे। वो जितने भी टीचर्स पेरेंट और स्टूडेंट के फीडबैक लेते हैं उसके बाद डिसीजन डिसाइड करते हैं। उन्होंने एक तो न्यूज़ में भी कहा, मैं आगे आपको लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको सपोर्ट करना है, सुन लो, सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और पहुँचा दो, पूरा वायरल कर दो सब जगह, समझ रहे हो आप। आप ही लोग के सपोर्ट के लिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। और जो भी बच्चा हेट कमेंट करता है ना यार, तुम वीडियो को स्किप कर सकते हो, मैं सीधा आप लोग को बोल रहा हूँ। जो भी चाहता है कि पोस्टपोन नहीं हो, आप जाके इस वीडियो को डिसलाइक कर दो या फिर यहाँ पर से चले जाओ, मत देखो वीडियो को। वीडियो को एंड तक देखते रहना, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक और शेयर करना। पोस्टपोन क्यों होना चाहिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। आपने SSC CHSL का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता दूँ, स्टाफ सेलेक्शन कमीशन होता है और ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन लेती है 10th + 12th के बाद। टीयर वन का एग्जामिनेशन मैं आपको बता दूं, 2019 में फॉर्म फिलअप किया गया था और 2020 में मार्च में इसका एग्जाम होने वाला था। उसको पोस्टपोन करके कब रखा गया आप देख सकते हो, 17/08/2020। तो ये अगस्त तक के लिए पोस्टपोन इसको डेफिनेटली कर दिया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं, लगभग 2018 का एक डेटा है जिसमें कहा गया कि 2018 में जो इस फॉर्म को फिलअप किया गया था, 30 लाख बच्चे ने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्टर्ड किया था। तो इस एग्जाम को जब पोस्टपोन कर दिया गया, UPSC को पोस्टपोन कर दिया गया, तो जेईई मेंस को पोस्टपोन क्यों नहीं करना चाहिए यार, नीट को पोस्टपोन क्यों नहीं करना चाहिए, उनको भी जरूर से पोस्टपोन करना चाहिए। आपको पता है देश के हालात, कोविड के केसेस लगातार बढ़ते हैं और अभी तो पीक आने वाला है, जब एग्जाम होगा तब तो पीक आएगा, तो समझना पड़ेगा आपको ये बात। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ पोस्टपोन जो एग्जामिनेशन हुआ है, NCHM JEE, आपको बता दूं, अगर आपने न्यूज़ सुन लिया तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। NTA आपको पता है कि NCHM JEE कंडक्ट करती है, नीट और जेईई मेंस दोनों कंडक्ट करती है। आप देख सकते हो कि NTA ने इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल 22 जून को रखा था, लेकिन इसको भी पोस्टपोन कर दिया फर्दर डेट्स के लिए। HRD मिनिस्टर ने खुद आपको बताया ये बात, उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को कंसर्न सुने, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इसको पोस्टपोन करना चाहिए। अब इसमें कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, 30,000 से 35,000 बच्चे इसमें एग्जामिनेशन देते, तो अभी ये पोस्टपोन हो गया। और 22 जून, अभी तो केस आप देख सकते हो 3 लाख+ केसेज है, तब इसको पोस्टपोन कर दिया गया। जुलाई के 18 जुलाई से जो आपका जेईई मेन एग्जाम होगा, तब तक कितने केस हो जाएंगे क्या पता हमें। उसके बाद कॉमेड के, जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट ये एग्जामिनेशन लेती है, अब जैसा कि देख सकते हो इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। इसका एग्जाम होना था 27 जून को और इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। ये एग्जाम होता है बेसिकली अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कर्नाटका में, तो इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। अब जो नया कब से ये फॉर्म एग्जामिनेशन होगा उसकी डेट्स अभी कुछ पता नहीं है। इसमें भी लगभग जेईई मेंस जितने बच्चे देते हैं उससे तो कम ही बच्चे इसमें एग्जामिनेशन देते होंगे, तो इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया, जबकि ये 27 जुलाई को होने वाला था, आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद ICAR AIEE, ये एक एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन है, न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इसे भी पोस्टपोन कर दिया गया। आप समझो इसे भी NTA ही कंडक्ट करती है, आपको पता होना चाहिए कि NTA इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी बच्चा जाना चाहता है वो इस एग्ज़ाम को देता है। जैसा कि देख सकते हो ये एग्जाम का शेड्यूल 1 जून को रखा गया था और 1 जून को केसेस लगभग 2 से 3 लाख के बीच में थे, तब इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब तो केसेस और बढ़ रहे हैं, तो अब इसको फर्दर डेट के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया,
जो CS का एग्जामिनेशन होने वाला था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। जैसा कि देख सकते हो आप, इस एग्जाम को पोस्टपोन करके फर्दर डेट्स के लिए बढ़ा दिया गया। देख सकते हो ICSI पोस्टपोन CS एग्जाम टू अगस्त, अगस्त तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को ये पोस्टपोन कैसे हुआ है। बच्चों ने ट्विटर पर जो मतलब सपोर्ट किया ना, मतलब सारे बच्चे यहाँ पे आके सपोर्ट कर रहे थे ट्विटर पे कि इस एग्जाम को पोस्टपोन होना चाहिए, तो फर्दर डेट्स के लिए इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। जुलाई में एग्जामिनेशन होने वाला था, लेकिन अब इसका एग्जाम 18 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में ये एग्जामिनेशन होगा। कारण दिया गया, अब देखो NSUI ने डिमांड किया था कि CA और CS के एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए ड्यू टू पैंडमिक आउटब्रेक, मतलब कोविड के कारण। तो उनके बच्चों ने, उनका कम्युनिटी ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया उनको कि इस एग्जाम को डेफिनेटली कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पे देख सकते हो द स्टूडेंट बॉडी नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI हैज डिमांडेड द कैंसिलेशन ऑफ ICAI CA ICSI CS एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया जाए मिड अगस्त तक के लिए। तो देखो उनकी बात सुनी गई और मिड अगस्त तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया 18 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में। यह आपका बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन, मतलब उसी के लिए एग्जामिनेशन लिया जाता है। जेईई और नीट परीक्षा में हो सकता है बदलाव। HRD मिनिस्टर ने यह संकेत दिए हैं कि एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन होगा अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। तो कंडीशन तो डेफिनेटली खराब होने वाला है, पोस्टपोन तो सर आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि इसको पोस्टपोन किया जाए। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि बोल रहे हैं पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई उनकी बात तो सुनो, जिनको प्रॉब्लम है उनकी बात तो सुनो। जिनको कोविड के सिम्टम्स आ गए हैं, उनके घर में हो गया है, उनके अगल बगल में हो गया है, क्या कर सकते हैं वो, आप समझना पड़ेगा इनको। उसके बाद देख सकते हो केंद्रीय मंत्री जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं, उन्होंने शिक्षक पेरेंट्स और टीचर्स से सारे से मीटिंग करते हुए सारे के फीडबैक ले रहे हैं। जो उनके लिए अच्छा होगा वो हम लोग की बात जरूर से सुनेंगे। बस आपको ट्विटर पे जाके उनको अपनी बात बतानी है, #postponeJEE postpone NEET लगा के उनको टैग करना है, मैसेज भेजना है। जो फेलो यूट्यूबर्स हैं उनको सपोर्ट करना है, मैं इसके सपोर्ट में, आप लोगों के सपोर्ट में बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो को फैला देना, समझ लो फैला देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। उसके बाद देख सकते हो अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो टल सकती है परीक्षा। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर कोविड के केसेस तो लगातार बढ़ते रहे और ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है तो एग्जाम डेफिनेटली पोस्टपोन होगा। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, अगर बच्चे का एग्जामिनेशन लिया जाता है तो कम्युनिटी स्प्रेड के भी चांसेस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा और सरकार ध्यान रख रही है, सरकार आपके फायदे के लिए ही सब काम करती है। आपके मतलब आपका जहाँ नुकसान हो वो काम नहीं करती है सरकार, आपको भी पता होगा इसके बारे में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारे डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दी। आपको सपोर्ट करना है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट भी करो, जो भी आपका प्रॉब्लम है कमेंट करके बताओ ताकि सभी बच्चों को इसके बारे में पता चल पाए कि क्या क्या बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। जो बोल रहे हैं ना कि पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, तो आप जरूर से कमेंट करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हम लोग जल्दी से 5K के पहुँचने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।